हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गीजर के बारे में। ठंड का मौसम आने वाला है, अब हमें गीजर की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास कोई अच्छा सा गीजर अभी है? क्या आप कोई अच्छा गीजर परचेज करना चाह रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपकी फैमिली के लिए कितने लीटर का गीजर परफेक्ट होगा? क्या आपको पता है गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर में अच्छा कौन सा वाला होता है? क्या आप जानते हैं इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर में डिफरेंस क्या होता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यह वीडियो आपको एक अच्छा गीजर सेलेक्ट करने में काफी मदद करेगी। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में आपको 3 अच्छे गीजर्स के बारे में जानकारी दूंगा, आप उनमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें गीजर क्या होता है, हमें पता है कि गीजर की हेल्प से हम ठंडी में गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। गीजर की जरूरत हमें ठंडी के मौसम में पड़ती है, जब हमें बर्तन को धुलने के लिए और नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत होती है। गीजर 3 तरह के होते हैं, 2 ज्यादा यूज होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक गीजर, दूसरा होता है गैस गीजर, तीसरा होता है सोलर गीजर। अगर हम बात करें गैस वर्सेस इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में, गैस गीजर जो है कुकिंग गैस के थ्रू चलता है, या एक मैनुअल गीजर होता है जिसमें ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं होती है। गैस गीजर LPG सिलेंडर से चलता है, इसमें पानी की हीटिंग को चेक करने के लिए हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है। क्योंकि हमारे घर पे बच्चे होते हैं, इसलिए गैस गीजर कभी कभी परेशानी क्रिएट करता है। सेफ्टी फीचर की अगर बात करें तो इसमें सेफ्टी फीचर ना के बराबर होती है, इसीलिए इस वीडियो में मैं गैस गीजर के बारे में बातें नहीं करूंगा, मैं केवल इलेक्ट्रिक गीजर को ही रिकमेंड करूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गैस गीजर से 60 पैसा पर लीटर और इलेक्ट्रिक गीजर से 80 पैसा पर लीटर पानी गर्म करने में खर्च आता है। लेकिन ये तब होता है जब सब्सिडी का गैस सिलेंडर हम यूज करें तो। अगर हम कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो उस केस में लगभग दोनों का सेम रेट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गीजर में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज होती हैं और इसमें सेफ्टी फीचर भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक गीजर को ही रिकमेंड करूंगा। इलेक्ट्रिक गीजर में टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट भी होती है, जो कि पानी के टेम्परेचर को हमेशा 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बना के रखती है, जिससे नहाते समय हमें गर्म पानी से जलने का खतरा नहीं रहता है। पानी के टेम्परेचर को हम खुद से भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कि गीजर कैसे काम करता है तो इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर मोस्टली 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है गीजर हीटिंग एलिमेंट, इसकी सहायता से ही पानी गर्म होता है। हीटिंग एलिमेंट अगर ग्लास लाइनिंग कोटेड होता है तो ये सबसे बेस्ट होता है। गीजर लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हीटिंग एलिमेंट जो है ग्लास लाइनिंग कोटेड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है गीजर टैंक, इसमें हमारा गर्म पानी स्टोर होता है। बिट्रस इनेमल ग्लास कोटेड गीजर एडवांस मॉडल है, जिसमें स्टेनलेस स्टील की वाटर टैंक लगा होता है। और गीजर का तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गीजर थर्मोस्टेट, यह वो यूनिट होती है जो कि पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में यूज होती है। इसी की मदद से पानी का टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में मेंटेन रहता है। इलेक्ट्रिक गीजर भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्टेंट गीजर, इसमें कोई स्टोरेज नहीं होता है, इसको आप ऑन करके तुरंत यूज में ले सकते हो। लेकिन अगर यूज करते टाइम लाइट चली गई तब आप गर्म पानी नहीं ले पाओगे, ये इसका मेन ड्रॉबैक है। सेकेंड टाइप है स्टोरेज गीजर, इसमें 15-20 लीटर गर्म पानी स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर लाइट चली भी जाती है तो हम बाद में भी उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे यूज करने से पहले हमें 5-6 मिनट पहले ही ऑन करके रखना होता है, तभी हम गर्म पानी का यूज कर पाते हैं। यही इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर हमारी फैमिली 4 से 5 पर्संस की है तो उस केस में हमें 15 से 20 लीटर का गीजर लेना चाहिए, जो कि परफेक्ट होता है। और अगर गीजर स्टोरेज गीजर हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम गीजर के बेस्ट कंपनीज के बारे में बात करें तो उसमें बजाज, ओरिएंट और क्रोमटन आते हैं। आप इनके कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये अच्छे गीजर्स बनाते हैं। इन्हीं तीनों कंपनीज के एक एक गीजर्स की डिटेल आपको वीडियो में लास्ट में दिखेगी, आप चाहो तो उनको भी परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप नीचे के लिंक से जाकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके अलावा भी कोई गीजर परचेज कर सकते हो। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए मैंने प्राइस का डिटेल इसमें नहीं दिया है, वो आप वहाँ से लाइव जाके चेक कर सकते हो। ये तीनों ही गीजर हाई रेटेड हैं और ये बहुत ज्यादा मार्केट में बिकते भी हैं, इसलिए आप इन्हें बेझिझक खरीद सकते हो। पहले नंबर पे है
बजाज न्यू शक्ति स्टोरेज 15 लीटर जिसका कंप्लीट फोकस पॉइंट नीचे दिया हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक इको स्मार्ट प्लस, इसकी भी डिटेल आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है क्रोमटन एमिका ASWH 2015 जिसकी डिटेल भी नीचे दी हुई है। इसके अलावा भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके कोई और भी खरीद सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।